नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम बनाने वाले हैं बहुत बेहतरीन एकदम से ना देसी आम से अचार। तो आम ले लिए हैं पूरा 3 किलो के करीब है आम। तो इसको थोड़ा घोटली जो है कड़क पड़ गई है, तो इसको हम लेते हैं पासुल, पासुल के हेल्प से बढ़िया से इसको फाड़ लेते हैं। बस 4 भाग में इसको फाड़ना है, ज़्यादा नहीं फाड़ना है। ये देखिए ऐसा ही एक रखते हैं बर्तन में, तो ऐसा ही सभी को फाड़ लेते हैं। अगर दोस्तों ये मेरा जो अचार वाला रेसिपी है आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ फिर रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि देसी आम के अचार की रेसिपी आप लोग के कैसी लगती है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। ये लीजिए तो पूरा फाड़ लिए। अब इसमें हम डालते हैं हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ले लेते हैं और नमक। हल्दी पाउडर और नमक डाल लेते हैं 2 चम्मच के करीब, डालकर उथल पथल इसमें कर लेते हैं बढ़िया से, इधर उधर करके मिला लेते हैं। ये देखिए ऐसा ही करके इसको मिला लेना है। बस आप जो ये अचार है दोस्तों ये अलमुनियम के बर्तन में मत रखिएगा, कोई स्टील के बर्तन ले लीजिएगा, नहीं तो कोई प्लास्टिक के रहेगा तो भी चलेगा, लोहे के भी मत लीजिएगा, उसमें बढ़िया नहीं रहता है। ले लीजिए पूरा मिक्स कर लिए। तब इसको हम क्या करेंगे वो भी बता देते हैं आपको, एकदम से ना पूरा सालों साल चलेगा ये अचार। तब यहाँ पर लेकर आए हैं धूप में पसार लेते हैं, पूरा इसको धूप दिखा देंगे 3 से 4 घंटा के लिए। तो अच्छे से इसको छितार लेते हैं, पूरा छत पर डाल रहे हैं, कड़क धूप है जल्दी से सूख जाता है। तब इसको पूरा पलट लेते हैं ऐसा कि आसानी से इसमें धूप लग जाएगा तो बढ़िया रहेगा अचार, थोड़ा भी नहीं ख़राब नहीं होगा, बहुत बेहतरीन रहता है अचार ऐसा बनाने पर। तो ये देखिए पूरा छितार लिए, ये लीजिए, ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर दिख रहा है। अब लगभग इसको 3 से 4 घंटा हो गया है, ये देखिए छत पर हम डाले हैं, ऊपर के नज़ारा है पूरा पूरा। डाले थे कितना बजे, 2:30 बजे के करीब में डाले थे, पूरा हो गया 5 बज गया पूरा। इसको धूप दिखाते वक्त तब पूरा इसको उठा लेते हैं, हम उठा कर रख लेते हैं एक बर्तन में, यहाँ पर ले लेते हैं उसी बर्तन में फिर से। एक बार अचार बनाएंगे तो पूरा साल या 1.5 से 2 साल चल सकता है, मगर बनाने के आप तरीका पूरा अपनाएंगे तो, नहीं तो ऐसा बनाएंगे तो कोई कोई क्या करता है कि तुरंत आम काट देता है, उसमें मसाला डाल देता है, उसे बढ़िया नहीं बनता है। ले लीजिए इसको ढक कर रख लेते हैं। अब पूरा जो है एकदम शाम हो गई है, अब हम इसको मसाला बना लेते हैं। ये है राई सरसों, इसको धोकर सुखा कर ले लिए हैं। आए है दोस्तों एकदम से ना देसी जुगाड़ मसाला बनाने के लिए, जो चक्री होता है चक्की गांव में वही है। इसको धोकर अच्छे से सुखा लिए हैं। अब इसमें डालकर जो सरसों है इसको हम दलिया निकाल लेते हैं, इसमें बहुत बेहतरीन से निकल जाता है, दलिया अलग हो जाता है और जो सरसों के छिलका है वो अलग हो जाता है, एकदम आसानी रहता है इसमें बनाने के तरीका। तो पूरा बढ़िया से इसको दर लेते हैं, ये देखिए दिख रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो दर लिए पूरा हम ले लेते हैं एक बर्तन में, ये देखिए अब लगाते हैं जिसमें हम चावल वगैरह फटकते हैं सूप में, इसको पूरा झटकार लेते हैं ऐसा करते हैं पूरा। तो देखिए छिलका अलग हो गया,
जो दलिया है वो अलग हो गया। अब इसको झटक लेते हैं, थोड़ा फटकार लेते हैं। फटकारने से क्या होता है कि पूरा छिलका अलग हो जाता है और जो दलिया है वो अलग हो जाता है। देखिए छिलका अलग हो गया और जो दलिया है अलग हो गया। अब इसको हम एक बर्तन में रख लेते हैं। तो लीजिए पूरा, अब इसको फिर से झटक कर जो दलिया है अलग निकालेंगे। इसमें आखा जो सरसों है, कोई कोई सरसों रह जाता है, तो इसको ऐसा पीस कर निकाल लेते हैं पूरा दलिया को। ये देखिए तो ऐसा ही पूरा फटक कर पीस कर निकाल लेना है दलिया को। एकदम आसान है तरीका है अचार बनाने के लिए। देखिए उतना दलिया में से इतना आखा सरसों निकल गया, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब उठा लेते हैं एक बर्तन में। दोस्तों अचार के बनाते वक्त पूरा 3 दिन तक लग गया, तभी जो अचार है बेहतरीन बनता है, 2 साल तक चलता है। तो यहाँ पर ले रहे हैं 1.5 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच काली मिर्च। अब यहाँ पर ले रहे हैं मेथी, उसके बाद से 1 चम्मच सौंफ ले रहे हैं। अब तुरंत इसको हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा कर इसको भून लेते हैं। इतना भूनेंगे इसमें से खुशबू बढ़िया से आ जाए, इतना ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं इसको भूनेंगे। तो बढ़िया से चलाते हुए इसको भून लेते हैं मसाला को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। सरसों के तो दलिया बना दिए, दिखाई दिए आपको, अब मसाला भी बना कर दिखा देते हैं। ये मसाला जो खड़ा मसाला दे लीजिए तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं हम इसमें से। ये लीजिए तो अब डालते हैं खलबट्टा में। खलबट्टा में डालकर अच्छे से कूट लेते हैं इसको। देसी तरीक़ा से बना रहे हैं तो इसको ऐसा ही कूटना है पूरा दरदरा सा। ये देखिए तो ये लीजिए पूरा कूट लिए इसको बढ़िया से, 5 मिनट कूट दिए इसमें डालकर, तो ये पूरा बारीक हो गया। तो ये देखिए दिख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं इसको हम बनाने के लिए। ले लीजिए जो अचार है इसको निकाल लिए, अचार को हटा लेते हैं। अब इसमें मसाला हम फेंट लेते हैं, डाल लेते हैं। अब यहाँ पर अजवाइन जो है वो डाल लेते हैं, हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाले हैं। सभी चीज़ को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें से थोड़ा मसाला हम बचा कर रखेंगे और मसाला इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर डाल लेते हैं मसाला को, इतना बचा कर रख देते हैं, दूसरा में काम आ जाएगा मसाला ये अचार बनाने में। अब यहाँ पर 2 चम्मच भर कर मिर्ची पाउडर ले रहे हैं और 1 चम्मच सौंफ डाल रहे हैं। यहाँ पर सरसों के तेल कच्चा ले रहे हैं, पूरा उबाल के नहीं ले रहे हैं, कच्चा ले रहे हैं 3 कप के करीब। यहाँ पर डाल लेते हैं 3 चम्मच के करीब नमक, 2 चम्मच पहले ही डाल चुके हैं इसमें। आप अपना स्वाद अनुसार से आप डाल सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। तो बढ़िया से लीजिए मिला लिए इतना अच्छा से। ले लीजिए हमारा अचार पूरा तैयार है देसी तरीका से। आप इसको धूप में 2 से 3 दिन सुखाइए, उसके बाद से जार में भर कर रखिए। तो ये लीजिए दोस्तों पूरा अचार है तैयार एकदम से ना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि देसी आम के अचार की रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।